गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय डियर एस्पिरेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स एंड प्रो डॉक्टर्स एंड बेटर टू से फ्यूचर गॉड। यस, बड़ा साधारण सी एक बात है, जब बच्चों के बीच आप बैठो, बच्चों का कहना होता है, पापा कहते हैं बेटा पढ़ो, मम्मा बोलती है बेटा पढ़ ले, हमारे टीचर्स बोलते हैं पढ़ लो, और फ्रेंड्स बोलते हैं यार पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ाई सभी करते हैं, क्या सबका रिजल्ट हो जाता है? क्या लगता है आपको, आइडियल कंडीशन में केवल 10% ही रिजल्ट होते हैं, मतलब 100 में 10 बच्चों का सिलेक्शन होना है, बाकी जो 90 बच्चे बैठ गए, 90 स्टूडेंट्स, वो फिर अगले साल फिर वही बात, पढ़ ले पढ़ लो बेटा पढ़ ले, ये चलता है, और फिर उसमें फिर 10% सिलेक्शन आउट ऑफ 90, फिर 9 का सिलेक्शन होना है, और 81 फिर वैसे ही रह जाने हैं, और यही करीब चलता रहता है। पहले साल तैयारी होती है, दूसरे साल तैयारी होती है, और आप एक ही स्ट्रैटेजी में पढ़ाई करते हो, और शायद तीसरे और चौथे वर्ष भी आपका जो इतना प्रयास है, ये सारा प्रयास आपका स्टिल अनसेलेक्टेड रहता है। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ आपको। कल मेरी बात हो रही थी गोरखपुर के एक स्टूडेंट से, संदीप शर्मा जी, उनसे मेरी बात हो रही थी, उसका यही कहना था, सर मैंने तो गोरखपुर में एक साल पढ़ लिया, 2 साल कोटा में, 2 बड़े इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा, लास्ट ईयर फिर आपके साथ एसोसिएट होके मैंने पढ़ा, सब बायोलॉजी बड़ा अच्छा रहा, ये सब्जेक्ट में ऐसा रहा, लास्ट टाइम में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जिसके कारण ओवरऑल सिलेक्शन फिर रह गया। मतलब ये कि आज भी वो भी वही खड़े हैं जो बच्चा प्लस टू पास करके खड़ा है, वो भी वही खड़े हैं, जो बच्चा 10th पास करके शुरू से 11th 12th को मेडिकल के लिए पढ़ना चाह रहा है, वो भी वही खड़ा है, और सबके साथ एक ही प्रश्न है सबके दिमाग में, जब वो पढ़ाई शुरू करने जा रहा है नीट का, क्या दिमाग में सवाल है, हाउ टू स्टार्ट स्टडी फॉर योर सिलेक्शन, मतलब मिशन नीट यूजी 2021 2021 के लिए और सक्सेस यदि चाहिए तो पढ़ाई कैसे सुधार की जाए, इसी समस्याओं प्रश्नों को लेकर आज आपके बीच हॉटस बोटेनिका के अंतर्गत एन ज्ञान एपिसोड 3 को लेके मैं आपके बीच आया हूं, आपका एजुकेटर, बायोलॉजी मोटिवेटर एंड योर टाइम टू टाइम अ वेरी गुड वेल विशर एंड फ्रेंड डॉक्टर मुकेश कुमार। रियली ये समस्या सबकी होती है, कैसे पढ़ाई करें, हर आदमी बोलता है पढ़ो पढ़ो, पढ़ना तो 10% का, फिर मैं 10% में कैसे आ सकूं, ये कोई नहीं बताता। सचमुच आज इन्हीं विभिन्न तरह के प्रश्नों का एक ही अच्छा जवाब लेके मैं आया हूं, अपने पिछले 20 साल के अनुभव के आधार पे, वो है आज आपके लिए। यस, आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ 5R strategy की। ये 5R strategy ऐसा है जो 2021 में यदि आज से ये कहानी आप शुरू कर देते हो तो आपको सियोर सक्सेस दिलाता है। ये सभी के लिए है, 0 ग्राउंड से है, जो 4 साल के बाद भी टूट के पड़े हैं, बिल्कुल खड़े हो जाओ, अच्छी तरीके से तैयारी में आप लग जाओ, और जो 10th पास आउट कर रहे हैं उनके लिए भी वो स्ट्रेटजी है, और जो प्लस टू वो आए हैं स्टडिंग, प्लस टू स्टडिंग है उनके लिए भी, और प्लस टू पास आउट उनके लिए भी, सबके लिए एक बहुत अच्छा जवाब, और वो स्ट्रेटजी मैंने बताई आपको, 5R strategy। क्या है ये 5R strategy? प्राय मैंने बच्चों को अपने क्लासरूम में ये बताता रहता हूँ, बट एक मौका है, बहुत प्रश्न आते हैं मेरे पास कि सर कैसे पढ़े, हमने कहा चलो उनका एक अच्छा सोल्यूशन सबके लिए हो जाए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो 5R strategy क्या है, बहुत ध्यान से आप समझ ले इसको, राइट? ये फाइव आर क्या है, फर्स्ट इज द रीडिंग, पढ़ना, पढ़ते सभी हैं, रिजल्ट सबका नहीं होता, बोलते ना हार्ड वर्किंग, ये पढ़ाई ही हार्ड वर्किंग है, जब कोई काम पहली बार आप करते हो तो हार्ड ही तो लगता है, दैट्स व्हाई हार्ड वर्किंग, ये हार्ड वर्किंग है पढ़ाई, लेकिन केवल पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता,
बल्कि पढ़ने से क्या होता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। और जब हार्ड वर्क आप करते हो तो भी आपके साथ कंफ्यूजन रहता है, आपके साथ सिली मिस्टेक्स होती है, आपके साथ बहुत तरह की नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं केवल पढ़ाई के साथ। इसका मतलब केवल पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता, बल्कि एक स्टेप और आगे कीजिए। ये हार्ड वर्किंग स्टडी है, लेकिन हार्ड वर्किंग के बाद यदि आपने अपनी डेडिकेशन दिखाई उस पढ़ाई के लिए, तो आप क्या करते हो, उस चीज़ों को याद करना शुरू कर देते हो। नीट में मेडिकल बनने के लिए, मेडिकल में मतलब डॉक्टर बनने के लिए याद करना बहुत ज़रूरी है। जो आपने पढ़ लिया, तो जो आपने पढ़ा उसको याद करोगे। जो याद कौन करेगा, जो डेडिकेटेड स्टडी है याद करे। स्टडी सबने करा, हार्ड वर्क करी, सिलेक्शन नहीं हुआ। केवल पढ़ने से सिलेक्शन कभी नहीं होता, पढ़ने के बाद आप उन चीज़ों को याद करो। जब आप याद करते हो तो ये याद आता है, कब, जब आप पढ़ाई को डेडिकेट किया तो याद होने लगता है। जब आप याद कर लेते हो उस चीज़ों को, तो याद करने से क्या होता है, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपकी मिस्टेक्स थोड़ी कम होने लगती है। राइट नाउ जब आप फिर उसी पढ़ाई को जो आपने याद कर लिया है, फिर आगे जाके आप उसको क्या करते हो, और ज़्यादा पंचुअलिटी के साथ उस रिमेंबर को और अपडेट करते हो अपनी डेडिकेशन के साथ, तो वो बनता है रिवीजन। आप रिवीजन करते हो पढ़ने के लिए, जो पढ़ा उसका रिवीजन करा आपने, और जब रिवीजन कर लिया तो समझो क्या हो गया, कॉन्फिडेंस आपकी आ गई है। लेकिन सिली मिस्टेक्स अभी हो सकती है। बड़ा कॉमन टर्मिनोलॉजी होता है बच्चों का, सर कन्फ्यूज़न आ गया, सर सिली मिस्टेक्स हो गए, सर बड़ा बैड लक था, सर मैं क्या करूं, मतलब पता नहीं क्लास में क्या हो गया। एक्चुअली ये सारी ऐसी बातें हैं ना, जो तब आती हैं जब आप केवल रीडिंग करके जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने, या फिर आप केवल रियाज करके चले जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में। ये दोनों, केवल रीडिंग से रिजल्ट नहीं आना, केवल याद करने से रिजल्ट नहीं आना। याद करके सभी जाते हैं एग्जाम में, क्रैश कर जाते हैं, भूल जाते हैं उसका एग्जैक्ट आंसर क्या। जब उनको दो बहुत नियर बाय ऑप्शन मिलता है, बच्चा फंसने लगता है, जज नहीं कर पाता एनालिटिकल तरीके से। नाउ तो याद करने के बाद आपको क्या करना है, रिविजन करनी है। और रिविजन करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है जब आप पैशनेट होते हो। अब समझो मैंने क्या बोला, हार्ड वर्किंग रीडिंग है, पंचुअलिटी आ गई आप रिमेंबर किए, डेडिकेशन आ गया आपने उसको फिर से रिवीजन करा, याद कितना चेक तो करो। और जब याद करने की देखने के लिए आप अपने पैशनेट को फिर आगे बढ़ाते हो, देखते हैं कितना याद है, कैसे कैसे प्रश्नों को हम कर सकते हैं, ये कहलाता है क्या, ये उसना पैशन कहलाता है। एक जो टीचर के अंदर भी ये पैशन होता है, तो ये आता है रिव्यू से। हमेशा एक टीचर क्लासरूम में जाने के पहले क्या करता है, रिव्यू करता है। हमेशा रैंक 1 से लेके 100 वाले जो बच्चे होते हैं, वो एग्जामिनेशन के पहले क्या करते हैं, वो रिव्यू करते हैं। लेकिन जो 90% बच्चे हैं वो फिर से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई से फिर पढ़ाई पे आते हैं, तो रिजल्ट उनसे बहुत दूर होता है। इसका मतलब जिसने रिव्यू कर लिया उसकी का 100% रिजल्ट होता है, और जिसने रिव्यू करा है सिली मिस्टेक्स नहीं आती, कॉन्फिडेंस आई, तो कॉन्फिडेंस तो रिविजन से ही आपका बन जाएगा। ये रिव्यू करने के बाद उस टॉपिक को करने पर क्या होगा, कॉन्फिडेंस आ गया 100%। आप लॉजिकली अप्लाई दोगे, आपने इतना ज़्यादा रिवीजन कर लिया है, इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बना लिया, कॉन्फिडेंटली बोलोगे ये क्वेश्चन ही गलत है, ये आप क्लेम करने लायक बन जाते हो लाइक अ टीचर। एंड इस सक्सेस, इस फोर्थ स्टेप करने के बाद आप 100% रिजल्ट के हकदार बनते हो, और आपकी सियोर सिलेक्शन होती है। तो याद रखना बच्चों, जब कभी भी हम स्टार्ट करते हैं स्टडी को, केवल पढ़ने का मत सोचना, 5 स्टेप में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। यस, फर्स्ट इज रीडिंग, रीडिंग मतलब हार्ड वर्क कर रहे हो। और एक और बात बोलते हैं ना, जो भक्ति का मार्ग होता है ना, वो आनंद का मार्ग होता है। तो जैसे जैसे आप बोलते हो ना पढ़ाई में डूब जाओ, डूबने का क्या मतलब, डूबने का मतलब आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है, बड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन जब रिवीजन करोगे तो रिमेंबर करने में थोड़ा टाइम कम लगेगा। और अच्छे से आपने पढ़ाई करी तो ये रिमेंबर कम टाइम में होगा, अच्छे से याद कर लिया तो फिर रिवीजन और कम टाइम में होगा, और बहुत अच्छे से रिवीजन किया रिव्यू और कम टाइम में होगा, और धीरे धीरे आपको आनंद की अनुभूति होगी। जिसको बोलते हैं ना भक्ति का मार्ग, आनंद का मार्ग होता है। एक बार बच्चे को पढ़ाई के अंदर डूब गया, फिर वो बस
रंग जाता है पढ़ने में, जो एक अच्छा टीचर भी होता है वो भी होता है, हमेशा पढ़ता रहता है, राइट। तो दिस इज द फाइव स्ट्रेटजी बाय विच इफ यू विल फॉलो 100% आपका रिजल्ट होना है। तो स्टार्ट करें फाइव आर की स्ट्रेटजी, आज से शुरू करें, किसी टॉपिक को देख ले और इस फाइव आर स्ट्रेटजी में पढ़ना शुरू करें, उसके ऑब्जेक्टिव बनाए, उसको कंक्लूड करें, आपको खुद लगेगा कितना बड़ा चेंजेस आपके अंतर्गत आया है। और लास्ट में एक बड़ी अच्छी चीज समझ में आई कि भाई एक अच्छी लाइन में आपको बोल के जाना चाहूंगा आज के लिए, ये तो सक्सेस है ही, और सक्सेस के पहले और बाद डर जरूर लगता है, तो मैं यही बोलूंगा कि डर के आगे के डर के लिए निडर बनो, डर के आगे के डर के लिए निडर बनो, ताकि डर आपसे डरता दिखाई दे, फिर आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता, और आप ही से एक उज्जवल भव्य, आपका उज्जवल भविष्य होना है सफलता के साथ, और आपके साथ एक उज्जवल भारत का भी हमें निर्माण करना है अच्छे डॉक्टर्स के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, डॉक्टर मीन्स यस फ्यूचर गॉड। सो थैंक यू वेरी मच, बी कंटिन्यू विद दिस फाइव आर स्ट्रेटजी, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कुछ मोटिवेशन लेके इन ज्ञान आपके बीच प्रस्तुत होगा। थैंक यू।